सबसे पहले पॉइंट पर जाएंगे, समिंग अप चैप्टर में पॉइंट नंबर वन लिखिएगा, आरबीआई। आरबीआई यस, 1 अप्रैल 1935, ठीक है जी, लिखिए लिखिए 1 अप्रैल 1935। जैसे मैंने ये लिखा होगा, एक आध बच्चों के दिमाग में होगा, अरे सर ये आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। हाँ मैं वही लिखूंगा, है ना, लिखो आप भी लिखो। आरबीआई देखो एक्ट की बात करें तो 1934 में था, बट आरबीआई कब स्टार्ट हुआ तो सर 1935, ठीक है। आरबीआई एक्ट केम इन, आरबीआई एक्ट केम इन 1934। ध्यान रखना मैं आपको एमसीक्यू सेशन पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं कोई बच्चा सोचे सर अब आरबीआई को डिटेल कर दो, सर जहाँ रिक्वायरमेंट होगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर डिटेल करूंगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो फुल फॉर्म पे नहीं जाएंगे, फुल फॉर्म अगर यार मॉड्यूल में लिखा और हर चीज़ का फुल फॉर्म, हाँ मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, फुल फॉर्म आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। अरे 5 नंबर ऐसे मुफ्त के मिलेंगे यार, तुम्हें क्या चिंता आ रही है। मैंने पहले बोला था हर दिन 5 नंबर हमको कमाने हैं, है ना, ध्यान है ना सबको। शुरू करते हैं सेबी, 1988, बट अगेन कंडीशन सेम हो रखी है ना। सेबी एक्ट केम इन 1992, बट सेबी एक्ट केम इन 1992 में एक्ट आया था, बट सेबी कब स्टार्ट, सर 1988 में, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ हमने स्टार्ट पहले किया है, एक्ट बाद में बना है। चलो सेशन में 500 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, बट ये 700 से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत गलत बात है जो बच्चे मज़े कर रहे हैं। फिर तुम बाद में मुझसे बोलोगे 500 बच्चे क्यों पास हुए, है ना, बोलोगे ना ऐसे, तो मैं क्या बोल पाऊँगा उसमें। अच्छा चलो बच्चा बाद में सेशन कर ले रहा है फिर भी ठीक है, जो बच्चा बाद में करेगा वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टाइम से ले सकते हो। अगला CCI, मैं वापस बोलूँ फुल फॉर्म आपने कवर करने, मैं आपको मेजर पॉइंट पर बात करूँगा। CCI 14th अक्टूबर 2003 डेटा पर जाएंगे, फिर अभी जब इलेबरेट करूँगा मज़ा तब आएगा। चलो यार 500 से ज़्यादा बच्चे तो आ गए, लेकिन ये जो 2003 में था ना, यहाँ पे लिखना amended इन 2007, 2007 में इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आए थे, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस अल्टरेशन बदलाव, ठीक है। आगे बढ़ते IRDAI, लिखो भाई IRDAI, लेकिन इसको बोलेंगे अपन IRDA, ठीक है। ईयर की बात करें तो 1999, ये हो गए। अरे पूरे चैप्टर में यही सारे टर्म तो दिए गए। फिर आता है नाबार्ड 1982, नाबार्ड 1982। सर अगर हम मैं आपका मॉड्यूल साथ रख रहा हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका जो नया मॉड्यूल अभी आ रखा है ना, जैसे मान लो आप रिपीटर से, आपके पास ये नया मॉड्यूल नहीं होगा, सर हमने मंगाया सर, चिंता क्यों करते हो, है ना। आपको लगे सर हर बार नया मॉड्यूल मंगा लेते हैं, हाँ मैं करता हूँ सर, क्यों करते हैं सर, सर नया मॉड्यूल मेरे पास रहेगा तो मैं बच्चों को अपडेटेड चीज़ें दे पाऊँगा ना, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं आप भी ऐसा कर लें, सर जल्दी से देख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने ही पॉइंट हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। यस ओके, तो आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीआई और नाबार्ड मैंने सारी बता दी हैं। अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा क्या है वो भी चेक कर लो। आरबीआई, सेबी और सीसीआई, आरबीआई, सेबी और सीसीआई, ये 3 पॉइंट जो है आपके, ठीक है, इनको आप नोट करें। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉन फंडिंग सिचुएशन, ये फंड प्रोवाइड नहीं करते किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। बट अगर हम बात करें भाई एग्रीकल्चर को बहुत सारा फंड देते हैं ये लोग, नोट करो फंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो प्राइमरी फोकस, एक नंबर का क्वेश्चन तैयार यहाँ से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब CCI की बात करें, अगर हम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा डिटेल करूँगा, है ना, चिंता मत करना, मैं आपका मॉडल भी साथ में देखता चलूंगा कि मुझे कौन से पॉइंट पर आपको थोड़ा सा डिटेल करने की ज़रूरत है, मैं उसे ज़रूर से डिटेल करूंगा। चलो आओ जी, ऐसा बेहतरीन तरीके से आप लोग को BCK पढ़ाएंगे, बिजनेस एंड कॉमर्स नॉलेज, इसको रिमूव कर रहे हैं, हेडिंग बनाएगा CCI। चलिए और मैं वापस से आपके माइंड में बात डालना चाह रहा हूँ कि मैं आपको MCQ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, हर वो पॉइंट को फिल्टर करने की कोशिश जो एग्जामिनेशन में देखने को लिखते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेडिंग बनाओ, चलो भाई स्पीड बढ़ा के रखना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ठीक है जी। शुरू करते हैं 14th अक्टूबर 2003, मैं मेजर वर्ड पर बात करूं उसको भी साथ में नोट करना, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, सेशन में इस वक्त है 520 बच्चे, ओके जी। चलो लिखते हैं, कंपटीशन कमीशन केम ऑन 14th अक्टूबर, लिखो साथ में CCI
केम ऑन 14th अक्टूबर, अगर आपने इसे पहले पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा लिखना सारे पॉइंट नोट करना, कुछ भी हवा में ना रहे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। केम ऑन 14th अक्टूबर 2013, 2003 की बात करें, एंड कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 6 पर्सन। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कंसिस्ट ऑफ 6 पर्सन एंड चेयरपर्सन, जो कमिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें से कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 6 पर्सन, मैंने क्या लिखा है, चेयरपर्सन 6 पर्सन, नहीं गलत बात है, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 6 पर्सन। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहां देखना, हम कंपटीशन कमेटी की बात कर रहे हैं, सर अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करके देखें तो क्या पॉइंट दिमाग में हमारे फिट होता है, सबसे पहला सीसीआई कब आया, 14th अक्टूबर 2003, कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन और 6 पर्सन। थर्ड नंबर पे कौन अपॉइंट कर रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाई कंपटीशन इज नीडेड, अब सवाल ये आता है सर कंपटीशन जरूरी क्यों है, भाई दिमाग में एमसीक्यू पेपर लिखते वक्त ये फिट तो होना चाहिए, है ना, कि कंपटीशन एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्यों। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए सर, व्हाई कंपटीशन इज नीडेड। बच्चे एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें सुबह बोल रहा हूँ मैथ अकाउंटेंसी करने के लिए, शाम को 7 बजे उस मेन चैनल पे लाइव सेशन बिजनेस लॉ का अटेंड करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व इनबिल्ड हो जाएंगी। तीनों पेपर हो गए, लॉ में तुम्हारा एफर्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ वीडियो देखनी होगी। और चौथे नंबर पे हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की, चारों पेपर हमें पैरेलल लेके चलना है, ठीक है, और जो फेल हुए उनको एकदम सुबह सुबह फेलियर वाले सेट पे काम करना है। कल वाले सेशन को आपने अगर लिखा था उसको सुबह उठ के आपने देखा है तो आपका इंथुजियाज्म बहुत ही अलग लेवल पे होगा। बढ़ते हैं, सवाल है कंपटीशन ज़रूरी क्यों है, तो पॉइंट वाइज मैं बार बार ये बात बोलता चलूंगा बिकॉज आज पहला सेशन मैं आपका ले रहा हूँ, फिर धीमे धीमे आप हैबिचुअल हो जाओगे, यार पढ़ना ऐसा ही है, क्यों जरूरी। पॉइंट नंबर 1, इनकरेज इनोवेशन। सर कॉम्पिटिशन इससे ज़रूरी है बिकॉज इनोवेशन को इनकरेजमेंट मिल पाए। दूसरा पॉइंट, इफिशियंसी बढ़ा पाए। यार सीधी सी बात है, कंपटीशन हायर लेवल पे होगा तो लोग अपना बेहतर देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इफिशियंसी बढ़े। तीसरा है ना, बूस्ट चॉइस इंप्रूव क्वालिटी, ऐसे नोट करना है इसको, इंप्रूव क्वालिटी रिड्यूस कॉस्ट। जियो ने क्या कर रखा है, जीना हराम कर रखा है सबका, क्वालिटी बढ़ा दी और लोगों की हद हो गई, सबने कॉस्ट घटा दी। कैसे है, क्योंकि कंपटीशन था। हमेशा ध्यान रखो, क्वालिटी जब जब बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ती है, बट क्या ये सही है, तो जवाब है नहीं। मैं अपनी ऑफलाइन पढ़ाने के 40,000 चार्ज करता हूँ। अब आप में से जो बच्चे जो डोनेट किए, अगर इसको 40,000 फील करके पढ़ रहे हैं, यकीन मानना आप अपना 100% देंगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार सर वही बात कर रहे हैं जो अपने ऑफलाइन में कर रहे हैं। बट अगर आपको ये फील हो गया इतने तो है क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, फिर तो सब कचरा हो गया सर, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। सो यस, इम्प्रूव क्वालिटी रिड्यूस कॉस्ट, जियो ने ही तो किया, क्योंकि जब हम क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ये फैक्ट है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन, हाँ ये भी नोट कर लो ना, यस, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इस बात का इंश्योर्ड करना कि गुड्स अवेलेबल होगा एट अफोर्डेबल प्राइस, और ये तभी पॉसिबल है जब भर के कंपटीशन हो रहा हो, अगर कंपटीशन नहीं है तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है, याद हो गया। अब यहाँ पे दो तरह के कंपटीशन है, मतलब टाइप्स ऑफ कंपटीशन, अगली हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग अगली नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। अरे ये वाला तरीका पढ़ने का समझ में आ रहा है, हर पूरे पूरे चैप्टर को ऐसे लाइन वाइज कर देना एमसीक्यू पेपर में, यही आपको दिमाग में रखना है अपने। तो दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जी नोट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे ऐसे लिखना दो, जब भी किसी चीज़ का टाइप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, मेरे वर्ड्स में आ रहे हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन, टाइप्स, कुछ भी ऐसा लिख रहे हो तो जहां हेडिंग बनाओ उसके आगे कितने होते हैं उसको लिख दो। क्या होगा सर, एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में आपको रिवाइज रहेगा कि इतने टाइप के होते हैं, वो नंबर याद रहेगा, नंबर याद रहेगा तो आप उसमें अप्रोच अच्छी रख पाओगे। दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आओ जी पहली हेडिंग बनाओ, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है चेक करते हैं, बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, जियो, एयरसेल, एयरटेल, वोडा,
सेम बट वो 3G 4G 3G oblique 4G लिखते हैं। कभी नोटिस करा है, मैं वोडाफोन का मैं भी यूज़र हूँ, तो वहाँ पे लिखा होता है 3G oblique 4G। क्या मतलब इसका? मतलब ये 4G देने की कोशिश करेंगे बट 3G देंगे। जब तुम ये बोलते हो ना कि मैं सर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, नहीं होगे। सुनने में अजीब है बट फैक्ट है, कोशिश करने से नहीं होगा। कभी खाना खाने की कोशिश की है कि मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि मैं खाना खा सकूँ, मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सो सकूँ? नहीं, वहाँ तो 100% होता है। बट वेन इट कम्स टू स्टडी, मैं आज कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ, मैं सी फाउंडेशन पर कोशिश नहीं करनी, 100% एफर्ट डालना है, रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। डायरेक्ट में नोट करना, प्रोडक्ट्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। अगर सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे कंपेयर अगेंस्ट ईच अदर। ये भी नोट करो, कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। अगर एक ही तरह प्रोडक्ट है और वो जो दो अलग अलग कंपनियां बना रही हैं वो दोनों की परफॉर्मेंस सेम हो रही है, ध्यान दो, प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, फंक्शन सेम हो रखा है। यार एक बात बताओ, तुमने लाइक सिंपल सी बात है, तुमने शर्ट परचेस करी 10,000 रुपये की, ठीक है, कोई और ब्रांड बना रही वो 8,000 रुपये की, कोई और ब्रांड बना रही 5,000 रुपये में भी। अब तुमने एक शर्ट परचेस करी 50,000 रुपये की, जस्ट इमेजिन तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी उससे कि वो शर्ट खुद चल के आए और तुम्हारे ऐसे पहन ले, है ना, 50,000 रुपये लगा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगी। तो ध्यान रखने वाली बात है, क्या वो सेम फंक्शन डिराइव कर रही? हाँ जी, हमें उस 50,000 वाली शर्ट को भी पहनना पड़ता है, सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो कम्पीट कर रहा है अगेंस्ट ईच अदर, तो वो कैसा कॉम्पिटिशन है? डायरेक्ट इन नेचर। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है सर? अब नाम लग गया होगा, प्रोडक्ट डेटा क्लोज सब्सटीट्यूट कम्पीट अगेंस्ट ईदर ईच अदर, प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट। सर सेम लेवल नहीं है बट क्लोज सब्सटीट्यूट है, ध्यान रखिए, सेम लेवल ऑफ फंक्शन नहीं है बट क्लोज सब्सटीट्यूट है अगेंस्ट ईच अदर। ये वाला इन सेम है, कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। सर मोटर व्हीकल, डीजल से चलने वाला, पेट्रोल चलने वाला, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, डीजल पेट्रोल वाले कम्पीट करते हैं सेम लेवल पर, बट स्टिल दैट आर क्लोज, सबसे बहुत क्लोज हैं बट एक जैसे हैं क्या? तो जवाब है नहीं। क्या सेम फंक्शन है? जवाब है नहीं। यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इस एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी? यहाँ पर आओ, नेक्स्ट हेडिंग, दो हो चुके हैं, नेक्स्ट हेडिंग पर चलना। नेक्स्ट हेडिंग, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स, कहाँ कहाँ पर ये एक्ट रुकावट पैदा करता है या कहाँ कहाँ पर इस एक्ट को बेहतरीन दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 1, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 1, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। जियो के खिलाफ ट्राई में, TRAI ट्राई में बाकी कंपनी ने कंप्लेन फाइल की कि साहब ये तो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, ये तो हमको मार्केट से उड़ा देंगे, है ना। कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि ठीक है जी, ये सस्ता बेच रही है, थोड़ा बहुत बेहतर कर देंगे बट ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन था, कंपटीशन एक्ट बनाया गया है तो ऑब्वियस बात है उसके अंडर में रह के उन्हें परफॉर्म करना पड़ा। पहले फ्री 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 बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं 99 599 तरीके से उन्हें वर्कआउट करा, फिर उनके अलग अलग स्कीम्स आए। ऑब्वियस बात है कि ये कॉम्पिटिशन एक्ट के अंडर में रह के करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। Abuse of dominant position, तुम इस पार्ट को ऐसे समझ लो कि तुम्हारा एक बिजनेस है जिन तुम पे पैसे धर के हो रखे हैं, तुम्हारे पास 50-60 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, खानदानी पैसा है, है ना, और तुमने क्या करा, सामने वाला जो तुम्हारी जिस भी लोकेलिटी में जो बिजनेस कर रहा है, तुमने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करा और अपनी मार्केट क्रिएट करने के लिए तुमने कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टार्ट कर दिया तुमने सेल आउट करना, मतलब तुमने क्या करा, एक प्रोडक्ट बाय करा जिसकी कीमत आई 10,000 रुपये, तुम उसको 10,000 रुपये ही बेच दे रहे हो, इवन कई बार 9,900 पे सेल आउट कर दे रहे हो बिकॉज तुम्हारी मार्केट क्रिएट हो जाए। तो सर ये डोमिनेंट पोजीशन पे हो, तुम्हें एक डोमिनेंट पोजीशन पे हो सामने वाले को डाउन करने की, बट दिस एक्ट प्रोहिबिट, तो ये एक्ट ये अलाउ ही नहीं करता कि आप ऐसा काम कर सके। नेक्स्ट रेगुलेट्स एंड कॉम्बिनेशन। अब ये एक्ट क्या क्या चीजें चला रहा होता है? रेगुलेट मतलब वर्कआउट कराना, रेगुलेट्स एंड कॉम्बिनेशन। सर एक्विजिशन एक्वायरिंग कंट्रोल एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, एक्विजिशन acquiring
कंट्रोल, अरे तुम्हें ध्यान है क्या, वोडाफोन और वो वोडाफोन वाला कुत्ता और अभिषेक बच्चन गेट आइडिया दोनों मिलके वीआई हो गए, वोडाफोन आइडिया। क्या हुआ सर, उसको इस प्रोसेस को मर्जर बोलते हैं। तो जो मर्जर है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, कॉम्पिटिशन एक्ट। वो चेक करता है कि अगर आपका मर्जर हो रहा है वो कितना सही और क्या प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आखिरी पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट क्या है वो भी चेकआउट करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है इसको रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग, स्पीड ज़्यादा रखेंगे मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने की पूरी कोशिश, कि आप ऐसा एमसीक्यू में ऐसे पॉइंट पॉइंट पॉइंट, जिसे हमने बोला ना ये एक्ट क्या करने से रोकता है ना, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं करने देगा, आप किसी डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं जाने देगा आपको, आप रेगुलेट करेगा आपके ऊपर। आप अगर दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं तो मर्जर की कंडीशंस क्या क्या हैं, अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो एक्वायर करने की कंडीशन क्या क्या है, ये सब ये प्रोहिबिट, ऐसा रोकथाम लगाएगा, सही तरीके से रोकेगा। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन, नेक्स्ट हेडिंग है सर। अभी एक पॉइंट पर चल रहे सिर्फ CCI पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ CCI लिख लेते हैं ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। ओके, प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, पॉइंट वाइज लिखेंगे हमें सारे पॉइंट पॉइंट चलेंगे, ठीक है। प्रिवेंट प्रैक्टिस फॉर एडवर्स, अभी एडवर्स का मतलब अपोजिशन जाके जब आप कॉम्पिटिशन करते हो तो उसका जो इफेक्ट आता है, लोड करो इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। सबसे पहले क्या है सर, प्रिवेंट करना, बचाना, अगर आप एडवर्स इफेक्टिव कंपटीशन लिखा रहे हैं तो उसमें आपको सेव करना। दूसरा, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, ध्यान से देखो हम क्या बात कर रहे हैं, कंपटीशन को मार्केट में प्रमोट करना और सस्टेन करना, पढ़ना और पढ़ते रहना, मार्क माय वर्ड, पढ़ना और पढ़ते रहना, पढ़ाना और पढ़ाते रहना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लोग नहीं समझते हैं। पैसा कमाना और कमाते रहना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप पैसा कमा ले गए बाई चांस तो गरीब हो जाओगे, तय है। अगर तुम पैसा कमाते रहे तो तुम अमीर रहोगे, ये तय है। तुम पढ़ ले गए बाई चांस तो तुम्हारे फेल होने की प्रॉबिलिटी को तुम बढ़ा दोगे, पर तुम पढ़ते रहे तो पास होने की प्रॉबिलिटी को तुम बढ़ा दोगे। मैं एक दिन आया, एक वीडियो अपलोड कर दी मैंने YouTube पे, तो मैं पढ़ा ले गया बाई चांस तो मेरे फेल होने की ऑन YouTube प्लेटफॉर्म मेरे फेल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं पढ़ाता रह गया तो मेरे टॉप पे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं तुम्हें सारे एग्जांपल रिलेट करा दे रहा हूँ जिसे तुम समझ जाओ, ये चीज़ है ना कि प्रमोट एंड सस्टेन। तुम एक बार प्रमोट, तुम्हें प्रमोशन मिल गया तो तुम्हें सस्टेन होने के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में वर्क एथिक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मोरल हाई रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा जब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा है। फिर भी अगला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जब तुम्हें कुछ समझ में आए तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट तुम कहीं भी चिपका सकते हो किसी भी एक्ट में। क्यों, जो एक्ट बनाया जाता है उसका फोकस ही होता है जो कस्टमर है, जो इंडिया के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑब्वियसली बात, तभी तो एक्ट बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों बनाया गया है, जो बायर सेलर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सर, पार्टनरशिप एक्ट क्यों बनाया गया है, जो पार्टनर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हीकल एक्ट क्यों बनाया गया है सर, व्हीकल में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, अरे समझ रहे हो, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। मैं तुम्हें अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं, मेरी आर्ट नहीं अच्छी है, मैं तुम्हें बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे समझना कि बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा सकती, इसलिए CCI को क्रिएट किया गया है। समझ आया क्या, तुम छोटे बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन तुम्हें नहीं खा सकता, वो गंदा कंपटीशन नहीं फैला सकता, उसे मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ओके, इसमें एक एक्ट आता है वो भी नोट कर लो, MRTP एक्ट बोलते हैं, 1969, ठीक है। कौन सा, MRTP एक्ट, यस यस लिखिए ना, MRTP एक्ट 1969। ओके, इट establishes CCI एंड prescribes its duties, function एंड पावर। तो ऑब्वियसली बात है यार, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002।
में क्या हो रखा है, सबसे मेजर टर्म आता है कंपटीशन एक्ट हैज बीन इनएक्टेड टू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। एक बात, कंपटीशन की इफेक्ट को मेंटेन करना है, प्रमोट करना है, सस्टेन करना है, मार्केट में कंपटीशन को ध्यान रखें, इंश्योर करना है कि जो ट्रेडर्स हैं वो फ्रीडम में काम कर सके। ऐसा नहीं कोई बड़ा ट्रेडर है वो इतना डिस्काउंट इतना ऑफर दे दे कि सारे कस्टमर उसके पास चले जाएं और जो छोटा ट्रेडर है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए CCI को वर्कआउट करा जाता है। अब कुछ एक पॉइंट है, मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको ध्यान सुनना है और CCI ख़त्म हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, फिर मैं पूछूंगा समझ आएगा नहीं, अब अगला पार्ट ध्यान सुनना है। ओके, अगली हेडिंग लिख लीजिए, मैं उसमें लिखाऊंगा नहीं, बस आपको बता दूंगा और वो वहीं पर हम फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। यस, टाइम बार रखना है पढ़ाई को अपने हमेशा, 45 to 50 मिनट्स अगर आप पढ़ाई कर ले रहे हैं तरीके से, नॉट जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, नोट करना। टू अचीव ऑब्जेक्टिव CCI इंडेवर्स टू डू द फॉलोइंग। अगर हम बात कर रहे हैं CCI की, CCI डू हेडिंग बनाना, डू द फॉलोइंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। यार ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है CCI की, अभी हमने बात करी थी फीचर्स की, है ना, जहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड रखे, है ना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, जो हमारा कंपटीशन उसको प्रमोट भी करे, सस्टेन भी करे, किसी भी तरह के एडवर्स इफेक्ट को वो किसी भी प्रिवेंट करे, ये थे ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम बात करते हैं कि CCI को अगर ये चीज़ अचीव करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सिंपल है। पॉइंट नंबर वन, मेक मार्केट वर्क फॉर बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कस्टमर। इसको मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप शॉर्ट हैंड में नोट करना, ठीक है। मेक मार्केट वर्क फॉर बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कस्टमर, मार्केट बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कस्टमर। सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि हम जो भी कुछ करेंगे उसमें हमारा मेजर फोर्स क्या होगा कि हम मार्केट के वेलफेयर के लिए करें, कस्टमर के बेनिफिट के लिए करें। सेकेंड पॉइंट, इंश्योर फेयर एंड हेल्थी कॉम्पिटिशन। चलो लिख ही देते हैं, इंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन। ऐसा ना हो कि कोई भी नई कंपनी आए, जियो ने क्या करा सर, जियो ने कंपटीशन की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि उसने कंपटीशन माना ही नहीं, शुरू में बोला 6 महीने फ्री लो। पहले तुम टच एंड फील समझते हो, टच एंड फील क्या होता है, जब तुम किसी शोरूम में जाते हो, किसी शॉप पर जाते हो, वो तुम्हें बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट आप हाथ में लेके देखो, सर आप हाथ ले तो आप मान लो ये रिस्ट वॉच है, आपको बोला सर अब आप पहन के देखो, सर आपने पहना आपको टच एंड फील आ गया, फिर अगर तुम पे पैसे हैं, तुम्हारी एबिलिटी है टू बाय द प्रोडक्ट, तुम डेफिनेटली बाय करके आओगे। इंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा। थर्ड, इंप्लीमेंट कॉम्पिटिशन पॉलिसीज। यस, इम्प्लीमेंट कॉम्पिटिशन पॉलिसी। सर ऐसी पॉलिसी बनानी है और सिर्फ बनानी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। सर स्ट्रैटेजी सिर्फ बनानी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर एक्ट सिर्फ बनाए गए होते, इम्प्लीमेंट नहीं किए गए होते, तो आज भी फ्रॉड के नंबर बहुत ज़्यादा होते, समझ रहे हो। स्ट्रैटेजी सिर्फ बनानी नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। अगला, डेवलप रिलेशन विद ऑल रेगुलेटर्स टू इंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ लॉस टुगेदर विद कॉम्पिटिशन लॉ। सर जो एक ऐसा है, जो भी लोग कॉम्पिटिशन में आएंगे उनको ही लॉ के बारे में पता होना चाहिए, उनके अंदर ये रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, उन डेवलप करना पड़ेगा कि देखो तुम किस तरीके से कॉम्पिटिशन को चीट नहीं कर सकते। अगला, इफेक्टिवली कैरी आउट कॉम्पिटिशन एंड स्प्रेड बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन टू ऑल। सर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे बच्चे, ध्यान सुनना। पहले मैंने बोला प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन पे उल्टा इफेक्ट पड़ता है उसको प्रिवेंट करना है, उसको प्रैक्टिस में डालना पहला। दूसरा मैंने बोला है प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन रहे, सस्टेन करे, उसको प्रमोट करना है। तीसरा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, और एट द एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड की फ्रीडम उसको इंश्योर करेंगे। हाँ, इस पॉइंट पर मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपसे जो लास्ट पॉइंट बोला है, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे थे ना, डेवलप रिलेशन विद ऑल रेगुलेटर्स, जितने लोग रेगुलेट कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, टू इंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट ऑफ लॉस, लॉ स्मूथ तरीके से अलाइन हो सके और वर्क कर सके। वापस से बोलो, डेवलप रिलेशन विद ऑल रेगुलेटर्स, जितने भी लोग CCI के अंडर में होंगे, मैंने बोला था एक बंदा होगा, 6 और भी होंगे, ध्यान आ रहा है, लिखा हुआ बचा हुआ है, गया लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन 6%, जो लोग इंश्योर कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट कर रही है, उसमें ये इंश्योर किया जाए कि सभी लोग बेहतर तरीके से उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करा सकें। पाँचों पॉइंट बता देता हूँ, इफेक्टिवली कैरी आउट कॉम्पिटिशन एंड स्प्रेड बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन टू ऑल, इफेक्टिव तरीके से करना है। ओके जी,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई खत्म होता है सर, सेबी पे चलिए फटाफट से। ओके देखो तो कैसा है, तुमको नया मॉडल दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर तुम पे नहीं है तो तुम्हें मंगाने की जरूरत नहीं है, सारे डेटा तुम्हें यहाँ पे नए ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करें हम लोग सेबी की, तुम पे मॉड्यूल हो रखा है, देखो अभी हमने बात करी ये सीसीआई, थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म था तो मैंने कहा पहले इसको निपटा लेते हैं। जो बच्चा बोल रहा था थोड़ा टाइम लीजिए, अगर टाइम ले लूँगा तो एक टॉपिक सीसीआई ही निपटेगा बेटा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मैं ज़रूर रुक के आराम से बता रहा हूँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, सेबी ये रहा सर, सेबी चलो शुरू करते हैं, ऐसा मॉड्यूल से देख देख पड़ेंगे ना, समझ रहे हो। हेडिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो बच्चा इसमें हिंदी मीडियम का है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बेटा तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, एक इंग्लिश का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, दोनों को साथ में रख के देखना है, पढ़ना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं सर, रोल क्या है, रोल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है मैं लिखाऊंगा इसमें, चिंता मत करना। कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करता है, कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करेगा, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की बात करेगा, यहाँ तक ठीक है बट लिखाऊंगा। पहले बढ़ते हैं आगे, एज कैपिटल मार्केट वर ग्रोइंग गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेबी विच यूज टू मैनेज, सेबी केम ऑन 12th April 1988, हमारे जन्मदिन से एक दिन पहले आ गया था। आओ जी लिखते हैं, सबसे पहली बात सेबी कब आया सर, 12 अप्रैल, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, केम ऑन 12th अप्रैल 1988। अच्छा चलो तुम्हें नहीं, मेरा बर्थडे याद रख लेना, 13 अप्रैल को है ना आज, है तो ऑब्वियस बात है एक दिन पहले आया था, मतलब 12 अप्रैल को, मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देन इन 1992 सेबी लॉज वॉज फॉर्म, पॉइंट वाइज लिखेंगे, देन इन 1992 सेबी लॉज वर फॉर्म्ड, ध्यान सुना 1988 में सेबी क्रिएट हुआ, लॉ कब बनाया 1992 में। आगे बढ़ते हैं सर, है ना, आगे बढ़ते हैं, एंड बिकम मेन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, ओके, एंड बिकम मेन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। मेरा गोल बहुत सिंपल है, आपको इकोनॉमिक्स में यहाँ पहुँचाना, क्योंकि फ्यूचर सी वाले बच्चे लाए हैं पिछली बार भी, उससे पिछले भी, तुम्हें भी लाना पड़ेगा। सोचो 200 की जंग हो रखी है, ऐसे सोच के देखो 200 की जंग हो रखी है, तुम अकाउंट और इको में 90+ ले लो, कितने हुए 180 ना। अच्छा तुम्हें ऐसा रिजल्ट देखना है, मैं तुम शिवांगी वाला रिजल्ट तो है ही ऑलरेडी, जो मैंने कल बोले थे रिजल्ट, जो कल की वीडियो में बोले थे, मैं उसको आने वाले कल में इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है चलो डन हो गया, ये भी मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं ध्यान ज़रूर से रखूंगा। ओके सो यस, अगर तुम 200 में 180 ऊपर निकल जाते हो तो रिमेनिंग में तुम 50-50 भी लोगे ना, यार मस्त ऐसा लहराते हुए क्या नंबर आए भाई, 290 के आसपास चले जाओगे, और तुम अगर थोड़े साथ शानदार लॉ वगैरह में 300 क्रॉस खोजता है, तुम ऑल डे रैंकिंग में चले जाओ तो तुम्हारा फेल होना सफल हो जाएगा। लेकिन ये मैंने इसके पहले वर्ड बोला हो सकता है, मतलब तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं चलो, ओके सेबी लॉ केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 1992, क्या हो गया और लैपटॉप पूरा चार्ज भी नहीं है, चल रहा है बस, समझ रहे हो। सेबी लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 30 जनवरी 1992, ध्यान से देखें तीन लाइनों को, सेबी कब आया सर 1988 है ना, ओके 12th April 1988, 1992 में सेबी का लॉ फॉर्म हुआ, और जो कि कैपिटल मार्केट के लिए हुआ। सेबी लॉ एग्जैक्टली फोर्स में कब आया, इम्प्लीमेंट कब हुआ, 30 जनवरी 1992, जहाँ तक ओके रिपोर्ट। अब बढ़ते आगे, हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है सर, चार, नेक्स्ट हेडिंग ध्यान रखना, मेरा पूरा फोकस तुम्हें इस बात पे पढ़ाने पे होगा
कि तुम MCQ पढ़ रहे हो, तुम सर्व ज्ञान की प्राप्ति करने नहीं बैठे, तुम सर्व ज्ञान की प्राप्ति करते हो, रिजल्ट आता है फेलियर। क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का? ज्ञान कहाँ पे लेना, जब इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग टैक्सेशन वहाँ पढ़ो। कुछ बच्चों ने इसमें लिया था, मैं ध्यान अभी अंत वगैरह हैं, वो उन्होंने क्लास ली थी, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पढ़ा रहा था, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे होगा, पूरे यूट्यूब पे जितने उन्होंने कॉस्ट पढ़ाया वो देखना और उसको देखना, तो मज़ा आ जाएगा। हम ऑफलाइन में इस लेवल पे लेके जाते हैं, बट वहाँ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ तुम लर्निंग फेज में, वहाँ सीखते हो। सी फाउंडेशन में सीखना जो, मान लो कोई बच्चा, नहीं सर हमें सीखना है, चैप्टर नंबर 3 में तुम क्या सीख लोगे, तुम्हें डेटा रटना है, वहाँ पे सीखने जैसा कुछ है ही नहीं ना। तो ये ध्यान रखना, अब तुम्हें ये ईयर मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ कि 12 अप्रैल 1988 में हुआ, मैं क्या सिखाऊँ बताओ, नहीं सोच के देखो, है ना। तो जहाँ पे हम स्मार्ट लेवल पे पढ़ के पास होते हैं वैसा कर लो और हो जाएगा। 4 हेडक्वार्टर है, कितने? 4, वाह, ओके बढ़ते हैं। 4 हेडक्वार्टर की बात करेंगे सर। नॉर्दर्न ऑफिस, मैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाऊँगा, नॉर्दर्न ईस्ट, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, ऐसा चारों दिशाओं में खोल रखा है इन्होंने। आओ लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, नॉर्दर्न ऑफिस कहाँ पे है सर, सारे 7 नोट करना, ठीक है, न्यू दिल्ली। ईस्टर्न कहाँ पे है सर, कोलकाता, कोलकाता, यस, ईस्टर्न ऑफिस, कोलकाता, लिखते चलना पर ध्यान रखना, ठीक है। साउदर्न ऑफिस कहाँ है, चेन्नई, साउथ, ओके, वो एक बच रहा है, चारों दिशाएं पूरी तो करनी पड़ेंगी ना। वेस्टर्न ऑफिस अहमदाबाद, वेस्टर्न ऑफिस अहमदाबाद, समझ रहे हो। और शेयर मार्केट कहाँ पे है, मुंबई, कहीं नहीं दिख रहा, लॉजिक क्लियर हुआ। मतलब सेबी हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, NSE की बात करते हैं हम लोग, वहाँ पे मुंबई कहीं नहीं है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा है, ये अलग हो, अलग ही चीज़ है। चलो मेन रोल ऑफ सेबी, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मेन रोल ऑफ सेबी। अब मान लो कोई बच्चा कहता है सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर, यहाँ और आराम से पढ़ाओ, मैं क्या कर लूँगा आराम से पढ़ा के, सोच के देखो, मैं बोलूँगा नॉर्दर्न ऑफिस न्यू दिल्ली में है, क्या ऐसा अलग बोल दिया मैंने। ध्यान रखो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ मुझे लगे एक्चुअल में मुझे यहाँ पे टाइम देना चाहिए, मैं दूंगा, ज़रूर से दूंगा। तुम इस बात को एश्योर करते हो, मैंने 18 अटैम्प्ट ऑफलाइन पढ़ाया और अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे टाइम लो, ज़बरदस्ती का टाइम खाना है कोई फ़ायदा नहीं भाई। मैं तुम्हें एक ही लाइन पे पूरे घंटे बोल सकता हूँ, नए कि कॉस्ट वाला वीडियो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको खुदा खुदा मज़ा ही आ जाएगा, आप बोलो वाओ, है ना। कौन सा वीडियो बोलो, हाँ कॉस्ट वाला, मैंने सिर्फ कॉस्ट के ऊपर तकरीबन 1 घंटे 40-50 मिनट बोला है, कॉस्ट ये होती है, कॉस्ट के टाइप्स ये होते हैं, और मैंने उसमें एक बहुत अच्छा टर्म दिया है, प्लीज़ चेक करिएगा वीडियो आप लोग, ठीक है, जब फ्री होएगा तब, पढ़ाई से समझौता नहीं, ध्यान रखिए इस बात का। ओके नेक्स्ट हेडिंग है मेन रोल ऑफ SBI, कितने रोल है, मेन वर्ड ध्यान दो, मेन रोल 2 होते हैं, पहला रोल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, रोल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में जाए पहला, दूसरा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट शेयर की बात करें जहाँ पे पैसा लगे और वो ग्रो कर जाए। अब इन इंडिया देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू ब्रिंग दैट बैक देर इज सेबी, ये लाइन भी नोट ही कर लो, है ना, इन इंडिया लिख लो, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, तुम्हें समझ आएगा। इन इंडिया देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन इंडिया देर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर लोग मूवी बना के शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और लोग पैसा लगाना चालू कर देते हैं, समझ रहे हो। इन इंडिया देर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पहला तो कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरा ट्रस्ट की कमी है, तीसरा एजुकेशन की कमी है, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट एंड अवेयरनेस ऑफ सेबी, सेबी के बारे में नहीं पता। अब नहीं पता तो लोग कैसे करेंगे, बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं कंपोजिशन क्या है सेबी का, सेबी में कौन कौन लोग आते हैं, कैसे कैसे रेगुलेट होता है, इस बारे में आओ जी उड़ाते हैं। हेडक्वार्टर हो गया, मेन रोल हो गया, और ये हाँ कॉन्फिडेंस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, अरे इन सारे वर्ड्स में कॉमन क्या है, कमी है, बाकी तुम समझदार हो ही।
बस बस सेबी निपटाने वाले चिंता मत करो, 4 से 5 टर्म में यार निपट जाएगा ऐसे। तुम जब जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए 90 आएंगे 90 ऐसा ऐसा 90 ऐसा जाना चाहिए। इको 90+, समझ रहे हो, अकाउंट्स 90+। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो 70 तक जाओ, नहीं है तो लॉ में मेरे साथ 80 तक चलो, 90 80 कितने हो गई है 260 के आसपास, पास तो हो रखे हो। अब तो मैथ में चाहिए जितने नंबर, कुछ बच्चे जो जिनका एग्रीगेट मुदित एग्रीगेट रह गया उसका, अभी सोचो 192 या 198 कुछ ऐसे आ रखा है, तकलीफ की बात है। बट स्टिल इस बार यार रैंक के लिए प्रिपेयर करो, 300 से ऊपर निकलो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भी हमारा भी, और घर वाले कहेंगे वाह बेटा वाह मजे आ गए एकदम, है ना, कोई बात नहीं तू फेल हो गया, तू काबिल है रैंक लिया है तू, और तुम भी ऐसा रैंक लाई कोई मामूली बात थोड़ी है, है ना, रैंक लाने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कंपोजिशन की बात करते सबसे पहला। अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट, कंपोजिशन पे जाने से पहले एक वर्ड पहले ऐड करता हूँ उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। पहले कंपोजिशन से हेडिंग बढ़ गई क्या, बढ़ गई है, काट दो अभी इसको बाद में यूज़ करेंगे, उससे पहले एक हेडिंग जिसे हमने अभी सेबी समझाना, तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये सेबी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये हेडिंग ये काटना, इसके बाद पहले ये हेडिंग बनाओ, इस पर बाद में जाएंगे। सेबी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे बनाओ तीन ग्रुप के लिए सेबी रिस्पॉन्सिबल होता है। सवाल कौन, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज जो सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और जो मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं। लिख लो पॉइंट नंबर 1, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 मार्केट के जो इंटरमीडियरीज हैं, बट उससे पहले इन्वेस्टर, इसको रटना मत, समझ जाओ ना, समझ जाओ बात ही खत्म हो जाएगी, मार्केट इंटरमीडियरीज समझो, कब ऐसे ऐसे समझते हैं, कंपनी है जो सिक्योरिटीज इशू करेगी, हर्षद मेहता जी हैं, है ना, जो इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कोई हर्षद मेहता जी का फ्रेंड है, ब्रोकर है, जो कंपनी से हर्षद मेहता जी की डील करा रहा होगा, तो इन तीन वही ग्रुप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेबी रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं कंपोजिशन पर। हाँ कंपोजिशन बताता हूँ, यस एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ सेबी तो कम से कम खत्म हो ही जाए ना, थोड़ा सा रहे यार कि हाँ दो टॉपिक निपट चुके हैं, दो बोलूँगा पढ़ने को, निपटा लेंगे तो कल अपन एमसीक्यू भी मूव कर जाएंगे डायरेक्ट, अगर नहीं निपटा लेंगे तो पढ़ाऊंगा, चिंता की बात ही नहीं है। कंपोजिशन ऑफ सेबी चेक करते हैं फटाफट से, सेबी की कंपोजिशन में कौन कौन है। सबसे पहला, अ चेयर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल चेयरमैन, नॉट चेयर, अ चेयरमैन अपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल हैव एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन फील्ड ऑफ मार्केट लॉ फाइनेंस। अरे देखो भैया, जो पर्सन की बात कर रहे हैं उसको मार्केट लॉ फाइनेंस इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कौन कितने, 1 चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पॉइंट खत्म हो गया। एक चेयरपर्सन होगा, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए सर, उसे मार्केट लॉ फाइनेंस इनकी नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 2 मेंबर्स फ्रॉम ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 मेंबर्स फ्रॉम ऑफिशियली फाइनेंस ऑफ, है ना, ऑफिशियली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिशियली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये कौन होने चाहिए वो भी जान लो, हु आर एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स होंगे इन काहे में सर, कंपनीज एक्ट 2013। तो जो ये 2 मेंबर हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये कंपनीज एक्ट 2013 में एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है, एक पर्सन होना चाहिए जिसको मार्केट फाइनेंस की नॉलेज हो, 2 मेंबर होने चाहिए जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही रख रही होगी बट उनके पास कंपनीज एक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होनी चाहिए। आगे, वेन मेंबर फ्रॉम RBI, 1 मेंबर फ्रॉम RBI कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय RBI, शुरू के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में है और ये वाला जो एक मेंबर आ रहा है RBI का, उसको RBI अपॉइंट करेगी, RBI या नॉमिनेटेड, नॉट अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड वर्ड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बच्चा बोलेगा फ़र्क क्या है,
मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ तुम्हें अपॉइंट करने की अथॉरिटी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। अगला, 5 members आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर। आओ जी, 5 member और चाहिए, 5 member, एटलीस्ट 3 member शुड बी होल टाइम मेंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, कौन अपॉइंट करेगा? सीधी सी बात है यार, अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या बोला, यही इतना ही है, मतलब इतना ही कंपोजिशन है, पूरी सेबी में इतने ही लोग होते हैं। वापस से चेक कर लेते हैं, 1 person होगा जो एक चेयरपर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 2 member होंगे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की, बस उनको क्या होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 की वो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उनको एक्सपर्ट होना चाहिए होगा। 1 member RBI से होगा, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, RBI अपॉइंट कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 member होंगे जिसमें से 3 member होल टाइम मेंबर रहेंगे, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, और जी वापस से बात है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। यहाँ तो हो गया फंक्शन ऑफ सेबी। अगली हेडिंग, तुम्हें लग रहा है ना MCQ पढ़ रहे हो, लगना मतलब फील आना चाहिए भाई MCQ पढ़ रहे हैं, वो लग रहा है फीचर से बच्चा पढ़ रहा है MCQ। 3 तरह के फंक्शन है सेबी के, रोल्ड इन 1 body। एक सेबी की बॉडी में 3 तरह के फंक्शन काम करते हैं। पहला, क्वाजी लेजिस्लेटिव, ऐसा लिखो, मैंने जैसा बोला था ना, जब लिखो तो आगे लिख दो, है ना, याद रहना चाहिए, क्वाजी लेजिस्लेटिव पहला फंक्शन। दूसरा नोट करना, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। तीसरा लिखो, क्वाजी जुडिशियल। आसान शब्दों में कितने फंक्शन हैं, 3, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अब होता क्या है वो चेक आउट कर लेते हैं फटाफट से। ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड लिख, पहला वाला जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव, वो रेगुलेशन ड्राफ्ट करेगा, क्या कैसे कब कौन कहां करेगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मैं वर्ड लिख रहा हूँ ध्यान से नोट करो, मेन वर्ड ड्राफ्ट रेगुलेशन, ये रेगुलेशन या जो एक्ट या कैसे इंप्लीमेंटेशन, ये ड्राफ्ट करेंगे, मेकिंग प्रोसेस लेजिस्लेटिव में जाएगा। एग्जीक्यूटिव, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, जो फ्रॉड्स के नंबर हो रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है उनको इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा होगा, एग्जीक्यूटिव। और इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या, इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शन, उसको इन्फोर्स कराएंगे, ठीक है। तीसरा, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब है सर पासिंग रूल्स, ये रूल्स पास करेंगे, बस इतना ही है। अब एक सवाल, सेबी ने कोई चीज़ ऑर्डर पास करा और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पॉसिबल तो है, इनकेस वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन ऑफ सेबी, वी कैन अपील टू सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल विद इन कंसिस्ट ऑफ 3 member। अच्छा रुको, इसको रिमूव करता हूँ, पहले नोट करते रहे ना, ठीक है, मैं वापस से क्लियर करता हूँ। लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या होगा सर, सिंपली रेगुलेशन ड्राफ्ट होगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जुडिशियल क्या करेंगे, ये एक रूल पास करेंगे, इतना ही है, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेबी। आज से भी निपट जाएगा पूरी उम्मीद है सर, और मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश हूँ कि ऐसा हो गया। पता है क्या, सेशन शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि CCI और सेबी निपटा देंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं, बाकी तो आसानी से हो सकता है। RBI कुछ नहीं है, फंक्शन ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकों का राजा, उसमें बेसिक टर्म होंगे, कैसे मनी कंट्रोल होता है, क्या मनी के फंक्शनिंग होती है, क्या कौन सी करेंसीज इशू होती हैं। अगर बात करें नाबार्ड की तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, छोटा टॉपिक है, CCI थोड़ा सा नया हो जाता है, सेबी नया तो नहीं है बट थोड़े से कॉम्प्लिकेशन से इसमें मैंने हेडिंग वाइज कराया आपको। अब जो बताना चाह रहा था उस पॉइंट पर आता हूँ, इनकेस वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ओके, हेडिंग नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ सेबी, अगर आप सेबी के डिसीजन के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ध्यान सुनो छोटे छोटे वर्ड, ट्रिब्यूनल में जाना है विथ 3 members। सर ट्रिब्यूनल क्या है, कंपनी की तरफ से एक 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 अलग कमिटी होती है जहां पर लोग होते हैं, वहां पे आप अपील फाइल कर सकते हैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, नॉट तरीके से, अपनी तरफ से, बस ध्यान क्या रखेंगे, आपके साथ 3 member हो, ट्रिब्यूनल में अपील फाइल हो सकती है। सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल, पूरा वर्ड क्या है इसका, ट्रिब्यूनल का
सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक तरीके का लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है ना, जहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं जो आपकी कंप्लेन को सुनते हैं, फाइल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद भी अगर सेटिस्फाइड, इसके बाद भी वापस से इवन नॉट सेटिस्फाइड, मान लो तुम ऐसे असंतुष्ट इंसान हो कि तुम तब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, समझ रहे हो। अब क्या करना है, इसको सेट बोलते हैं, सेट, इसको सिक्योरिटीज अपने ट्रिब्यूनल क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, क्लियर। अब लाइन लिखते हैं, इन केस वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद सेट, ये भी नोट करो, इन केस वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ सेट। ओ भैया, तुम अगर सिक्योरिटी से अपने ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाइड हुए, सुप्रीम कोर्ट का टक टक टक, है ना, लिख लो। कहाँ जाओगे अब, वी अपील टू, अब कहाँ अपील कर सकते हो, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ सेबी, लेट्स हेडिंग, ये लास्ट पावर ऑफ सेबी। 45 मिनट से ऊपर हमने पढ़ाई की कि नहीं अभी तक यार, अरे वाह 53 मिनट चल रहे, ओहो ठीक है कर लेते हैं, बट क्योंकि टॉपिक नहीं छोड़ सकते, बस खत्म हो रहा है तो कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही। इसके बाद आरबीआई में आपको पढ़ने को कहूँगा, अभी बता रहा हूँ, और कुछ एक टर्म और बोलूँगा, ठीक है। हेडिंग क्या है, पावर ऑफ सेबी, क्या क्या पावर है। सबसे पहला अप्रूव्ड बाई लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला है अप्रूव्ड बाई लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सबसे पहले अप्रूव्ड बाई लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा रिक्वायर स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर लॉ, स्टॉक एक्सचेंज अमेंड का मतलब अल्टर करना, अमेंड देयर लॉ, अल्टर करने का मतलब चेंजेस करना या फिर बदलाव करना, अगर कुछ ऐसा है तो स्टॉक एक्सचेंज से इसको अमेंडेड करा जा सकता है। तीसरा इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, वो जांच कर लेना बुक वगैरह की, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको इंस्पेक्शन जांच कर सकता है। अच्छा, क्यों और कब, कब, पीरियोडिकल रिटर्न्स, वो पीरियोडिकल बेसिस पे, वो एक साल होता है, 3 महीने होता है, 6 महीने होता है, 1 महीने भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट भी है, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरी कौन, हर्षद मेहता वाला दोस्त जो है, किसके किसके इंटरेस्ट में बात हो रही है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, सेबी रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 ग्रुप्स, पहला जो हमारा सिक्योरिटी इशू करता है मतलब कंपनी, दूसरा जो हमारा इन्वेस्टर मतलब कस्टमर जो पैसा लगा रहा है, तीसरा जो मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं जो पैसे को इधर से उधर कर रहे हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेबी। उन उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो सेट पे आप कंप्लेंट फाइल करोगे 3 मेंबर के साथ, सेट क्या है सर आपका, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, उनसे भी सेटिस्फाइड, उनके डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट पे फाइल कर दो, वहाँ कोई 3 मेंबर नहीं चाहिए। अगला कंपेल सर्टन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर इन वन ऑफ मोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कंपेल टू सर्टन कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज, इस वर्ड से वर्ड निकल क्या है, कंपनीज, इसको भी नोट कर लो, कंपनी क्या कर रहा हूँ, कंपनी शेयर को लेके दो तरीके से डिफ्रेंशिएट होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, अगर उसने अपने शेयर को, यही देखो ना, कंपेल टू सर्टेन कंपनीज को ऐसा कंपलसरी होता है कि वो अपने शेयर को लिस्ट कर दें, अरे सीधी सी बात है, तुमने शेयर को लिस्ट कर दिया तो तुम लिस्टेड कंपनी हो, और नहीं लिस्ट किया है तो अनलिस्टेड कंपनी हो। बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसा स्पेशल टर्म नहीं है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कमेंट में आके मुझे बता देना कि हाँ सर मैंने ये पढ़ लिया, ये चीज़ें हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव सेशन।